बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यूनिवर्सल सिविल कोड के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है और इसे लगातार हवा दे रही है ताकि लोकसभा चुनाव 2024 तक इस आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एक आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने यूनिवर्सल सिविल कोड को मुसलमानों के लिए जरूरी बताते हुए तर्क दिया कि कोई मुसलमान महिला ये नहीं चाहेगी कि उसका पति उसकी 3 सौतने ले आए। देखिए यूसीसी तो मैं तो जितना मुसलमान लोगों को मिला सब लोग साथ है यूसीसी हो, कोई मुसलमान लड़की नहीं साथ है कि मेरा हस्बैंड मेरा 3 छोटे लिए वाइफ लेके आए, कोई नहीं चाहते। ये तो हमको पूछने का बात नहीं है, आप हर मुसलमान लेडीज को पूछिए, कोई नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड 3 शादी करे, कौन चाहेगा। तो ये यूसीसी मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। अगर समाज में मुसलमान महिला और माँ को कोई दिन जस्टिस मिलना होगा तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बात यूसीसी भी होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मेरा पास तो यूसीसी है, मेरा बहन मेरा बेटी के लिए तो यूसीसी है। अगर मेरा बेटी के लिए यूसीसी का कब्ज है तो वो कब्ज मुसलमान का बेटी को भी होना चाहिए। यूनिवर्सल सिविल कोड को मुद्दा बनाने में बीजेपी कामयाब होती दिख रही है क्योंकि मुसलमान नेता भी इसे तरजीह दे रहे हैं और इसका मुखर विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिवर्सल सिविल कोड का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को इसकी जरूरत नहीं है, यकसा सिविल कोड को इस देश की जरूरत नहीं है। हमको आप ये बताइए, आज बीजेपी अमित शाह साहब ये सब बोल रहे हैं, आपको मालूम गोवा में जो सिविल कोड है कैसा सिविल कोड है? अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले, सरकार आपकी है वहां पर। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसमें आर्टिकल 47 पढ़ लो आप, प्रोहिबिशन लगाओ अल्कोहल के ऊपर, क्यों नहीं लगाते भैया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है शायद आर्टिकल 38 में कि सबको इनकम जितना हो सके बराबर होनी चाहिए। कहाँ है इनकम, किधर है? देश की 90% दौलत देश के 10-15 पूंजीपति के पास है। फिर उसी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज होना चाहिए। अरे कहाँ है भैया, कहाँ हो रहा है आप? सिर्फ इसके अच्छा हमारे को बताइए कि शराब के ऊपर क्यों पाबंदी नहीं याद करती? शराब लगाओ ना पाबंदी, बंद करो शराब। बीजेपी जाना सरकार में आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का महात्मा गांधी ने खुद बोला था, जैसा आपने गुजरात में लगाया चलो वैसा ही थोड़ा बहुत करके लगाओ ना, लगाओ आप जाना आप सरकार में शराब पे आप नहीं लगाना, बंद नहीं करना चाहते। क्यों बंद नहीं करना चाहते? क्योंकि शाम में 6:30 बजते कि आपको होना, आपको ठंडा होना आपको।